ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे। साथ ही साथ अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, ये लोग हमें बर्बाद कर सकते हैं, ये लोग हमें तकलीफों में डाल सकते हैं और यह जो लोग हैं ये हमें कई सारी परेशानियों में अकेला छोड़ सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जातकों के साथ ये परेशानी खड़ी हो चुकी है या वर्तमान भविष्य में होने वाली है। तो इन लोगों से हमें कैसे सावधान रहना है, पहले तो इन लोगों को पहचानना है कि ये कौन लोग हैं जो हमें तकलीफों में डाल सकते हैं, और कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं जो हमें तकलीफों में डाल सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ना करें, जो बातें हैं जो लोगों ने अनुभव करी है, बहुत सारे लोगों ने अनुभव करी है, वही बातें आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे और व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि वो लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं जो लोग आपने किसी गलती पर उन्हें एक बार माफ़ कर दिया हो और उन लोगों से फिर आप व्यवहार बना रहे हैं, ऐसा न करें। वो लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं, तकलीफों में डाल सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ सकता है, जो व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे सकता है, एक बार छल कपट कर सकता है, आप उसे दूसरा मौका दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं, लेकिन उसकी गलती के आधार पर दे सकते हैं। बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसे बहुत हल्के में लेकर माफ़ कर देते हैं और दूसरा मौका देते हैं उन्हें फिर से हमें तकलीफ में डालने के लिए। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, अगर आप ये गलती दोहराएंगे तो आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। दोस्तों, दूसरे वो लोग जो लोगों को पता है कि आप गलत जा रहे हैं या सही सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं। जैसे होता है कई बार हमारे दोस्त मित्र कलीग्स जो काम करने वाले होते हैं, परिवार में जो लोग होते हैं, हम गलत कर रहे हैं और हम जब गलत हो जाती है चीज़ें तब वो कहते हैं कि हमें तो पता था कि आप इस परिणाम में जाएंगे। तो वो जो लोग हैं जब हम करते हैं, मैं मानता हूँ कि रिश्ते इससे ख़राब हो जाते हैं या कोई भी बात कड़वी बात कहने से बचते हैं या रुकते हैं, तो जो ये लोग ऐसे करते हैं ये लोग आपको तकलीफों में डालते हैं और ये सच्चे हितैषी आपके हैं ही नहीं। सच्चा हितैषी वही है कि चाहे आप और उसके बीच में तनाव हो जाए पर आपके मुँह पर वो सही बात कहेगा और सही बात से व्यक्ति को सही गाइडेंस मिलता है और जो लोग उसको चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और अपना मतलब पूरा कर रहे हैं उनसे भी वो उन्हें बाहर निकाल सकता है, बिकॉज ये सिचुएशनों का सही ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तीसरे वो लोग जिनकी नीयत साफ नहीं होती, आपके दोस्त मित्र या कोई भी हो जो महिलाओं के प्रति अच्छा नीयत नहीं रखते हैं, वो लोग आपको भी तकलीफों में डाल सकते हैं। जो लोग नशा करते हैं, व्यसन करते हैं या गलत चीज़ें करते हैं, क्योंकि जो गलत करता है उसकी संगति का असर उन पर जरूर होता है और संगति के असर में व्यक्ति कब अपने परिवार से दूर हो जाता है, कब अपने आइडिया से दूर हो जाता है, कब अपने गोल से दूर हो जाता है, अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है, उसे भी पता नहीं लगता। तो कभी भी ऐसे लोगों से आप दूर बना के रखें जो नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, क्योंकि ये इनका हित नहीं सोच सकते, वो आपका कभी नहीं सोच सकते। तो ये जो लोग थे ये व्यक्तियों को बर्बाद करते हैं इस युग में, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।